तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को पहली बार जिसका मैं अपडेट दिखाया करता था जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और आज बन के देख सकते हो कैसा बना है, कितना सुंदर बना है। दोस्तों ये देखो फुट ओवर है जो हम रैपिड रेल को कनेक्ट करेंगे दोस्तों, यानी कि ऊपर चलेंगे। और आप सभी को एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कॉमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डे वन से आप सभी को इसका कंस्ट्रक्शन दिखाया है RRTS डिपो का मैंने। दोस्तों देख सकते हो पहली बार यहाँ से राइड करेंगे दोस्तों। कहाँ के लिए बताओ, आप सभी को बताऊँ कि यहाँ से आज पहली जर्नी करेंगे RRTS के स्टेशन से, चलेंगे मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन तक। कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं, क्या क्या इसका कितना किराया है, कौन कौन से स्टेशन का, वो सब कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो बने रहो केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो। ये दूसरा एक वीडियो है जो आप सभी को केपी संत दिखाने जा रहा है दोस्तों, जो कि दिल्ली के सरायकाले खां से स्टार्ट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन, और मेरठ के मोदीपुरम में इसका कंस्ट्रक्शन एंड होगा जाकर। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि गाजियाबाद के साहिबाबाद से स्टार्ट होती है ये दोस्तों, और यह मेरठ साउथ के स्टेशन तक जाती है जो कि ऑपरेशनल हो चुकी है दोस्तों। और आप सभी को एक चीज़ और बताऊँ क्या, RRTS के स्टेशन से और मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन तक का जो टिकट है दोस्तों वो है 70 रुपीज़ का, यानी कि किसमें, एक तो प्रीमियम कोच है दोस्तों उसका और ज़्यादा महंगा है, एक स्टैंडर्ड कोच है जिसकी रेड कलर की सीटें हैं दोस्तों उसका 70 रुपये का टिकट मिला है। तो चलते एक्सीलेटर पर चढ़ते और पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म लेवल पर। दोस्तों ये कौन कौन था जिस पर हमने टिकट लिया, अभी बहुत ही काफ़ी सुंदर काफ़ी अद्भुत बनाया गया है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 3 ट्रैक हैं, आप सभी को बताऊँ इस पर आपके कौन से स्टेशन पर, RRTS के स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म हैं दोस्तों, एक तो दोहाई स्टेशन के लिए जाता है और दो दिल्ली और मेरठ के लिए चले जाते हैं, तो 2 स्टेशन हैं। देखो यहाँ पर रैपिड रेल लगी हुई है और आपको इसकी खासियत भी बताएंगे। तो देखो ये आ चुकी है रैपिड रेल और चलेंगे दोस्तों बैठ के कहाँ के लिए, मेरठ साउथ के स्टेशन तक। आज आप सभी को व्यू दिखाएगा आपका केपी संत, काफ़ी दिनों के बाद में देखो मौका मिला है दोस्तों। तो देखो 2 स्टेशन मतलब कि 3 प्लेटफॉर्म हैं, यानी कि 3 पटरियां बनाई गई हैं RRTS के स्टेशन पर, एक तो दोहाई डिपो के लिए चली जाती है और 2 दिल्ली और उसके लिए चली जाती है। तो चलिए चलते हैं, बैठते हैं अंदर, करते हैं फ्री गड़े था नभाएँ। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिसका मैंने कंस्ट्रक्शन डे वन से दिखाने की कोशिश की है, दिखाता आ रहा हूँ, आज बन के कम्प्लीट हो गई है दोस्तों। आज उसका पहली बार राइड करेंगे दोस्तों, इसमें क्या क्या खासियत है वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और आप सभी को एक चीज़ और बताओ, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग भाई साहब कितना ही मोह लेती हैं भाई साहब, सुंदरता अलग ही चमकती है, जो बादलों का नज़ारा है ना बड़ी बड़ी खिड़कियों से कुछ अलग ही है दोस्तों। ये आज आ चुका है RRTS का स्टेशन दोस्तों, और आप सभी को मेरे पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप लोग जा सकते हो चैनल पर, पुराने वीडियोस देखना है यहाँ RRTS के स्टेशन के, कि पहले जब बन रहा था तब कैसा लगता था और अब ये बन के कम्प्लीट हो गया तब कैसा लग रहा है दोस्तों। काफ़ी अद्भुत काफ़ी सुंदर नज़ारा आएगा, ये देख सकते हो आप लोग। और ये 160 किलोमीटर रफ्तार से चलती है दोस्तों। ये आ चुका है मेरठ साउथ मोदी नगर साउथ RRTS का स्टेशन गाइस, ये देख सकते हो। तो काफ़ी मतलब काफ़ी सुंदर काफ़ी अद्भुत है दोस्तों, और काफ़ी फैसिलिटी दे रही है आम जनता के लिए दोस्तों NCRTC, क्योंकि उसको चलानी है एक शहर से दूसरे शहर में दोस्तों, मतलब कि एक सिटी से दूसरे सिटी में ये रैपिड रेल दौड़ेगी। अभी तो पहली बार भारत में चलाई जा रही है, जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में दोस्तों,
यानी कि 82 किलोमीटर के रूट में ये पहली बार चलाई जा रही है रैपिड रेल। आने वाले भविष्य में दोस्तों ये एक सिटी से दूसरी सिटी में ये चलाई जाएगी और हर शहर में ही ये चलाई जाएगी, देखना आप सभी आने वाले टाइम में। अभी तो 4-5 लाइन तो पहले ही प्रपोज हो चुकी हैं गाइस, क्योंकि 2-3 लाइन तो गाज़ियाबाद RRTS के स्टेशन से ही हैं और बाकी की लाइनें हैं वो दोस्तों सरायकाले खां RRTS स्टेशन से ही स्टार्ट होती, क्योंकि उसका मेन हब होगा दोस्तों ये रैपिड रेल का मेन प्लेटफॉर्म कौन सा सरायकाले खां होने वाला है गाइस आने वाले भविष्य में। जैसे कि DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो का है ना, कौन सा राजीव चौक यानी कि कनॉट प्लेस, वैसे ही रैपिड रेल का होने वाला है एक टाइम में दोस्तों, क्योंकि 4-5 लाइनें वहीं से स्टार्ट की जाएंगे दोस्तों। पहली जाएगी पहली तो ये है सरायकाले खां से मेरठ, दूसरी है सरायकाले खां से पलवल, तीसरी है दोस्तों सरायकाले खां और आपका गुरुग्राम और एंड अलवर, और चौथी है दोस्तों कौन सी सोनीपत पानीपत। तो काफ़ी लाइनें हैं और एक है जयपुर एयरपोर्ट, जैसा कि आपको पता ही है वो तो गाज़ियाबाद से ही प्रपोज्ड है, एक हापुड़ के लिए भी है, एक खुर्जा के लिए भी है। तो अभी आने वाले टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। और आप सभी को बता दूं कि गाज़ियाबाद से अलीगढ़ जाने के लिए रैपिड रेल का ही सारा लेना पड़ेगा और इसका कंस्ट्रक्शन भी अभी चलेगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो फाइलों में ही है और इसकी मंजूरी जल्दी मिल जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार मंजूरी दे देगी। पहले इसको चला कर देखा जाएगा, उसके बाद में फिर मंजूरी मिलती चली जाएगी। और फिर आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के हर शहर में भाई साहब एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट किया जाएगा रैपिड रेल के थ्रू गाइस। तो देख सकते हो ये आ चुका है कौन सा देखो ये आ चुका है मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन, आप लोग देख सकते हो। मैं मेरठ साउथ को नहीं, मोदी नगर साउथ का है, मोदी नगर नॉर्थ है दोस्तों। अब आएगा मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन और व्यू आप देख आप लोग व्यू देखो कितना ही खूबसूरत लग रहा, बादल देखो भाई साहब, आह क्या ही नज़ारे हैं, क्या ही अद्भुत नज़ारे हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी विंडो हैं और विंडो का नज़ारा लेने के लिए ही मैं दोस्तों आज ट्रैवल कर रहा हूँ आप सभी के लिए। और आप सभी ने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है तो मैं आप सब से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आओ और देखो रैपिड रेल को, क्या इसका जो स्पीड है वो भी आप लोग चेक करो, इसमें अंदर बैठो एक्सपीरियंस करो भाई साहब। बिल्कुल ही आम जनता के लिए पूरी की पूरी सेफ्टी दी हुई है NCRTC ने और आने वाले टाइम में ही दोस्तों NCRTC ही चमकने वाली है आने वाले भविष्य में। ये आम जनता के लिए भाई साहब भविष्य और भी उज्ज्वल होता चला जा रहा है दिन के दिन। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहे, KP संत आप लोग के इंजॉय करवाता रहे। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखो KP संत के चैनल पर दोस्तों। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था इस रैपिड रेल के बारे में। अब यहाँ से हम उतर चुके हैं दोस्तों मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। इसमें है ट्रेन, 3 प्लेटफॉर्म है दोस्तों यानी कि 3 लाइन है। अब आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पर मैं उतरा हूँ एक लाइन तो इधर है, देखो ये स्क्रीन डोर्स लग रहे हैं ना प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, इधर की साइड में दोस्तों राइट हैंड पर चलेगी क्या मेरठ मेट्रो के लिए ये रूट बनाया गया है, देख सकते हो आप लोग ये मेरठ मेट्रो के लिए रूट है दोस्तों। जब मेरठ मेट्रो चलना स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। और ये वाली दोस्तों कहाँ के लिए है, ये दिल्ली के लिए लाइन है डबल। और आप लोग ये चार्ट देख सकते हो, जितनी ये रेड कलर में है दोस्तों वो है रैपिड रेल और जो ब्लू कलर में है दोस्तों वो है मेरठ मेट्रो का चार्ट। अब देखो मेरठ मेट्रो पर छोटे छोटे स्टेशन है तो इसीलिए ब्लू कलर से है और इसमें 13 स्टेशन है दोस्तों मेरठ के अंडर। और पहली बार दोस्तों इसी स्टेशन से आप सभी को मेरठ मेट्रो की सवारी करने के लिए मिलेगा दोस्तों, मतलब मिलेगा तो दोनों ट्रेनों का ही लेकिन रैपिड रेल का दोस्तों मेरठ के अंदर बस 2 ही स्टेशन हैं,
या तो ये स्टार्टिंग में है या बिल्कुल लास्ट में है या फिर एक बेगमपुल है दोस्तों। बस रैपिड रेल के तीन ही स्टेशन है दोस्तों मेरठ के अंदर, एक तो मेरठ में स्टार्टिंग होते, एक मेरठ के लास्ट में और एक बीच में दोस्तों, तो आप लोग लगा सकते हो। तो इसका फेयर भी मैं बताऊँगा कौन से स्टेशन मेरठ के अंदर जो चल रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो सारे स्टेशन कवर करेंगे जल्दी से जल्दी और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं। देखो ये हम बाहर जा चुके हैं साउथ आर आर मेरठ साउथ आर आर टी एस के स्टेशन से, और देखो काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग है ये देख सकते हो, और ऊपर से तो देखने में बहुत ही ख़तरनाक लगती है। अब यहाँ से चलेंगे हम मेरठ के लिए, तो आप लोग बताना कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए किसी को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत गाइस।